तो गाइस मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। शुरू करते हैं सबसे पहले फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन की व्यूअरशिप से। तो लास्ट वीक का स्मैकडाउन बहुत अच्छा था, इस वीक का भी अच्छा था, ऐसा बेकार नहीं था, इस वीक का भी डिसेंट सा था। एंड इस वीक जो है स्मैकडाउन के लिए न्यू वेमेंस चैंपियनशिप भी आई, साथ में हमने देखा कि ब्लड लाइन की जो स्टोरी है वो काफ़ी प्रोग्रेस हुई। जे उसो कम्पीट कर रहे थे US टाइटल के लिए मेन इवेंट के अंदर, और भी बहुत सारी चीज़ें थी। जिमी उसो ने सुपर किक भी लगा दिया। तो ऐसे में व्यूअरशिप क्या रही, व्यूअरशिप देखते हैं, व्यूअरशिप अच्छी है बेकार नहीं है। लास्ट वीक की व्यूअरशिप तो भाई मॉन्स्टर थी, मॉन्स्टर व्यूअरशिप 2.4 कुछ नंबर्स थे इतने मिलियंस में। इस वीक की व्यूअरशिप कम है लेकिन फिर भी अच्छी है, 2.226 मिलियंस, ये कुछ इस वीक के नंबर्स हैं। तो मुझे लग रहा है जो ब्लड लाइन वाली स्टोरी है इसकी वजह से रेगुलर कांस्टेंट नंबर्स जो हैं वो ऊपर ही रहेंगे, 2 मिलियन, आई गेस 2.1 मिलियन से ऊपर तो रहेंगे ही हर वीक। बाकी अगर नीचे आ जाती है भाई तो वो बहुत ही रेयर केस हो जाएगा, लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है कि ब्लड लाइन वाली स्टोरी के अंदर व्यूअरशिप ऐसी ही अच्छी खासी मेंटेन होने वाली है। 2.4 थी लास्ट वीक की, इस वीक 2.226 मिलियंस। अगले वीक रोमन आएंगे तो फिर से व्यूअरशिप बढ़ेगी, पूरे पूरे चांसेस है, बाकी देखते हैं क्या होता है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं किंग एंड क्वीन ऑफ द रिंग के बारे में। ये देखो अभी होने वाला था नाइट ऑफ चैंपियंस, हो गया, वरना यही होता। ऐसे में अब कब होगा ये, तो इसको लेकर बताया जा रहा है कि कोई प्लान्स नहीं है। WWE जो कुछ डिस्कस ही नहीं कर रही है, अपने पीछे वाले पॉकेट में WWE ने आइडियाज़ रख लिए इन पेपर व्यूज़ को लेकर, इन टूर्नामेंट्स को लेकर। पेपर व्यू तो क्या, इन टूर्नामेंट्स को लेकर WWE के जो आइडियाज़ है वो उनकी पिछली पॉकेट में, यानी कि WWE से बैक ऑफ माइंड डिस्कस भी बहुत कम कर रही है। लेकिन फिर भी चांसेस है कि जब WWE सऊदी अरेबिया जाए तो मे बी कंसिडर करे, मे बी, जस्ट मे बी। हालांकि आइडियाज़ WWE ने बहुत सारे ड्रॉप कर दिए इसको लेके, लेकिन फिर भी एक जो परसेंटेज 1.1% चांस रहता है वो वाला चांस करेंटली है। बाकी आप क्या देखना चाहोगे किंग एंड क्वीन ऑफ द रिंग टूर्नामेंट, कमेंट करके बताना। टू बी ऑनेस्ट मैं नहीं देखना चाहता, क्योंकि मुझे पता है भाई अभी रिसेंट में कुछ अच्छे विनर्स बना नहीं रहे। लास्ट टाइम हमने देखा तो ज़ेवियर वुड्स बन गए थे, तो ये कुछ सही नहीं लग रही है चीज़ें मुझे। तो मेरे हिसाब से वैल्यू डिग्रेड करने से बेटर है कि कराओ ही मत, मैं तो यही चाहूँगा। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में, मनी इन द बैंक 2023 के पोस्टर को लेके। न्यू पोस्टर निकल के सामने आ चुका है मनी इन द बैंक 2023 के लिए, आप लोग देख सकते हो कि सीधा अपनी स्क्रीन के ऊपर। एंड इस पोस्टर के अंदर कौन है, पोस्टर के ऊपर कौन है, सेथ रॉलिंस, हमारे वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन। लास्ट टाइम भी जो है सेथ रॉलिंस एंड बेकी लिंच ही थी अगर मैं गलत नहीं हूँ तो, एंड इस साल भी सेथ रॉलिंस पोस्टर पर हैं। तो लास्ट ईयर भी सेथ रॉलिंस ही पोस्टर पर थे एंड इस ईयर भी सेथ रॉलिंस ही हैं, तो अपने स्पॉट को रिटेन करते हो यहाँ पर सेथ रॉलिंस। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं फादर्स डे स्ट्रीट फाइट के बारे में। काफ़ी अजीब सा मैच WWE ने अनाउंस किया, ये क्या फादर्स डे स्ट्रीट फाइट। तो अभी आने वाले लाइव इवेंट के लिए जो कि 18 जून को होने वाला है, WWE ने इस मैच को अनाउंस किया, ये फादर्स डे वीकेंड होगा। तो रे मिस्टीरियो और डोमिनिक मिस्टीरियो आपस में एक दूसरे को फेस करेंगे एक फादर्स डे स्ट्रीट फाइट के अंदर। अब यहाँ पे ज़्यादा कुछ है नहीं है, तो ये बस सिंपल स्ट्रीट फाइट, बस यहाँ पे नाम ऐसा दे दिया गया क्योंकि वो फादर्स डे वीकेंड के ऊपर है। तो WWE को लगा कि भाई चलो फादर्स डे वीकेंड है तो लाते हैं डोमिनिक एंड रे को एंड इनको फादर्स डे स्ट्रीट फाइट में डालते हैं। तो ज़्यादा कुछ नहीं है, बस यही है लाइव इवेंट के लिए वाला मैच कन्फर्म किया WWE ने। आगे बढ़ते हैं रिया रिप्ली की बात करते हैं। तो आने वाले रॉक एपिसोड के अंदर रिया रिप्ली को मिल जाएगी उनकी नई विमेंस चैंपियनशिप। अभी करेंटली उनके पास है स्मैकडाउन विमेंस चैंपियनशिप, लेकिन उनको मिलेगी न्यू WWE वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप विमेंस वाली। सेथ रॉलिंस के पास जो सेम डिजाइन है वही डिजाइन मिलेगा विथ व्हाइट स्ट्रैप, मैंने आपको बताया था कि आस्का को भी कुछ ऐसा ही मिलेगा। रोमन के पास जो डिजाइन है वो उन्हें मिलेगा उस टाइप का, मतलब व्हाइट स्ट्रैप के साथ। तो सेम चीज़ यहाँ पर रिया रिप्ली के साथ होगी, सेम सेथ रॉलिंस के टाइटल वाला डिजाइन उन्हें मिलेगा बट इस बार व्हाइट स्ट्रैप के साथ। तो यही कुछ है एंड आने वाले रॉ के अंदर आपको चीज़ देखने को मिल जाएगी। WWE बिल्कुल लाइन से चल रही है, पहले हमने देखा सेथ रॉलिंस, फिर रोमन रेंस, फिर आस्का एंड अभी रिया रिप्ली होंगी ही होंगी एनी हाउ। बाकी आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आखिरी अपडेट के बारे में, बहुत इंटरेस्टिंग है। रिसेंटली में स्पोर्ट्स किरा की तरफ से एक बहुत इंटरेस्टिंग पोस्ट निकल के सामने आता है जहाँ पर ये लोग कहते हैं कि क्या हो अगर कस्टडी ऑफ जे उसो मैच हो रोमन रेंस एंड जिमी उसो के बीच में, इनका मैच हो एंड जो जीते वो जे उसो को ले जाए अपनी साइड। तो फैंस ने रिसेंट वाले स्मैकडाउन के बाद इस चीज़ के ऊपर काफ़ी सारे ट्वीट किए एंड एक्चुअली में इस मैच को डिमांड किया क्योंकि जे उसो डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं कि उन्हें जिमी की साइड जाना या फिर रोमन की साइड। तो फैंस कह रहे हैं बेस्ट तरीका है कि रोमन एंड जिमी के बीच में सिंगल्स मैच कराओ एंड जो भी जीते वो जे उसो को अपने साथ रख ले। तो जे उसो को एज टाइटल, एज ट्रॉफी जो है यहाँ पे कुछ रखा जा रहा है एंड एक तरीके से कस्टडी ऑफ जे उसो मैच अगर हो जाए तो मज़ा तो आएगा, लेकिन ये चीज़ पॉसिबल नहीं है जहाँ तक तो मुझे लगता है। जे उसो की खुद की भी वैल्यू है तो WWE शायद ये नहीं करेगी, लेकिन अगर हो जाए तो बहुत अच्छी चीज़ है, मुझे तो मज़ा आ जाएगा। क्या आप लोग देखना चाहोगे कमेंट करके बताना, फैंस डिमांड तो कर रहे हैं काफ़ी हैवीली। इस वीडियो के लिए गाइस कुछ यही अपडेट्स है, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं आप लोग, हैप्पी संडे आप सबको, फॉलो कर सकते हैं मुझे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पर, लिंक है डिस्क्रिप्शन में। मिलता है नेक्स्ट ऑफ एयर काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो में।